कैमूर एसपी गए ट्रेनिंग पर, नए प्रभारी एसपी हृदयकांत संभालेंगे कैमूर की कमान। कैमूर के नए प्रभारी एसपी हृदयकांत ने अपना पद संभाला, जहां कैमूर एसपी ललित मोहन शर्मा ने पुलिस एकेडमी हैदराबाद में ट्रेनिंग के लिए चले गए हैं। ऐसे में अब नए एसपी के तौर पर हृदयकांत कैमूर के प्रभारी चिकित्सा की कमान संभालेंगे। गुरुवार को कैमूर पहुंचकर नए एसपी हृदयकांत ने कैमूर का पदभार संभाला है, जहां समाहरणालय में इस दौरान गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया है। बता दें कि ललित मोहन शर्मा 45 दिनों के लिए ट्रेनिंग पर गए हुए हैं। हृदयकांत तब तक कैमूर के प्रभारी एसपी बनकर कमान संभालेंगे। वहीं मीडिया कर्मियों से बात करते हुए उन्होंने बताया कि कैमूर एक सीमावर्ती इलाका है और बिहार में पूर्ण रूप से शराबबंदी है, और शराबबंदी को सफल बनाना हमारा कर्तव्य है। कैमूर के पूर्व एसपी ललित मोहन शर्मा को हैदराबाद नेशनल पुलिस अकेडमी में ट्रेनिंग के लिए भेजा गया है। फिलहाल मैं अभी कैमूर का नया प्रभारी और एसपी हूं, और कैमूर पुलिस अपराध और अपराधियों पर नियंत्रण करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। हमारी पूरी पुलिस फोर्स जनता की सेवा के लिए पूरी तरीके से तत्पर है, और हम कोशिश करेंगे कि जनता को किसी भी तरह का कोई कष्ट ना हो। अभी जो पूर्व में यहाँ पे पुलिस अधीक्षक थे, वो प्रशिक्षण के लिए नेशनल पुलिस अकेडमी हैदराबाद गए हुए, उनके जगह पे मैंने प्रभार ग्रहण किया है। यहाँ पे कैमूर पुलिस की पहली प्राथमिकता है अपराध पर नियंत्रण, और जो भी अपराधी है उन पर लगाम लगाना है। विधि व्यवस्था का संधारण भी हमारी प्राथमिकता है। उसके अलावा कैमूर जिला जो हमारा है वो सीमावर्ती इलाका है, बिहार में पूर्ण रूप से शराबबंदी है, तो शराबबंदी को पूर्ण रूप से लागू करना भी हमारी प्राथमिकता है। आप सभी के माध्यम से कैमूर जिलावासियों को मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि बिहार पुलिस जो है आपकी सेवा के लिए कटिबद्ध है। अभी हम लोग पुलिस सप्ताह में जन जन तक पहुंच रहे हैं, हमारी टीम हर थाना से जनता तक पहुंच रही है। आप लोगों से यही निवेदन है कि पुलिस का पूरा सहयोग करें और विधि व्यवस्था संधारण में अपराध नियंत्रण में पुलिस की मदद करें, पुलिस का आंख नाक कान बने, ताकि हम अपराधियों पर अच्छे तरीके से नकेल कस सकें। थैंक यू सर। कैमूर न्यूज के लिए भभुआ से रवि जडेजा की रिपोर्ट। खबर को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी को दबाइए। अगर Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो, लाइक और वीडियो को शेयर कीजिए। और कैमूर जिले की तमाम खबरें सबसे पहले अपने फोन पर पाने के लिए प्ले स्टोर से कैमूर न्यूज ऐप को इंस्टॉल कीजिए।